मीडिया दो धड़ों में बढ़ चुका है। ऐसा कुछ नहीं, आरोप प्रत्यारोप नहीं है, ये बातें पहले भी होती थी। आपके जो टीचर्स पहले काम किए होंगे, बाद में मीडिया से शिफ्ट होकर टीचिंग में आ गए, उनसे कभी पूछिएगा, ये ड्रामे सब पहले भी होते थे। अब टीवी है तो टीवी पे होने लगे, पहले अखबार में होते थे, किताब में होते थे, लेख में होते थे, हफ्ते में एक बार आर्टिकल छपता था उसमें होते थे। अब क्योंकि रोज प्राइम टाइम आ रहा है तो रोज हो रहे हैं, अब क्योंकि रोज डिबेट हो रही है तो रोज हो रहे हैं। देखिए अलग अलग थॉट्स हैं, सबके अपने अपने हैं, सब अपना अपना थॉट रख रहे हैं, जिसको जो पसंद है वो उस थॉट के साथ चलता है। मैं इसको ऐसे नहीं मानता कि पत्रकार एक दूसरे से लड़ रहे हैं, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता कि ठीक है भाई, पत्रकार के अनक्वेश्चनेबल है, पत्रकार के भगवान है, नहीं ना, अगर वो गलत कर रहा तो उसको भी तो कोई सवाल करेगा ना। आप लोग तो कर नहीं सकते थे पहले, आज करने लग गए, ट्विटर आ गया, सोशल मीडिया आ गया, तो आपको भी गाली पड़ने लग गई। आप जिससे सवाल पूछ दीजिए वो कहेगा ये भक्त है, आप जिससे सवाल पूछ दीजिए वो कहेगा ये तो दलाल है, आप जिससे सवाल पूछिए अब तो नई गाली निकाल ली, ये राष्ट्रवादी है। ऐसा थोड़ी है भाई, पहले ताकत नहीं थी, अब हमारे पास ताकत है। पहले टीवी वन में होता था, दूसरा चैनल भी नहीं था, मजबूरी थी जो है वही देखना। आज 3600 चैनल है, और उससे बड़ी बात आपने खुद ट्विटर हैंडल डाल रखा है कि मुझे अपनी राय दीजिए, मुझसे अपना सवाल पूछिए। तो फिर इतनी हिम्मत भी तो होनी चाहिए ना कि सामने वाला जो राय दे रहा है उसको झेल पाइए। वन में ट्रैफिक क्यों रखना चाहते हैं ट्विटर हैंडल चला के भी, कि मैं जो कहूँ केवल वही सुना जाए, वही सही हो, ऐसा नहीं। बहुत सारे लोग हैं इस देश में भाई जो सोचते हैं, समझते हैं, जिनके पास बुद्धि है, जिनके पास व्यवहार ज्ञान है, जो उस पत्रकार से ज्यादा जमीन पे काम कर रहे हैं, घूम रहे हैं, देख रहे हैं। तो अगर उनके मन में कोई सवाल आ रहा है तो उसको भक्त के दलाल के खारिज थोड़ी कर दो, एड्रेस कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते तो माफी मांग लो, गाली देने का क्या मतलब है। और फिर अगर अपनी ही कॉम से या अपने ही प्रोफेशन से कोई सवाल पूछने लगे तो उसको भी गाली देने देने लग जाएंगे। वैसे मैं एक चीज यहाँ रेफरेंस लेके आता हूँ, तो मैंने बीच में भी दिया, अंडर गोस्वामी ने कहा कि जो लोग देश के खिलाफ पत्रकारिता करते हैं उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने नाम लिया क्या किसी का नाम लिया उन्होंने, तो फिर कुछ लोग क्यों कूद पड़े कि हमें कह रहा है जेल भेज दो। इसका मतलब आपके अंदर कहीं ना कहीं अपराध बोध है ना, आप कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं ना जिस पर आपको मालूम है कि आप फंसेंगे। फिर और सबसे बड़ी बात, भाई पत्रकार भी पहले काम कर रहे थे ना, उन्होंने बनाई जमीनें बनाई, संपत्तियां बनाई, फोन कॉल्स आ गए सामने सबके, भाई क्या क्या बातें करते थे पत्रकार और लॉबिस्ट बैठ के आपस में, तो पकड़ में नहीं आएगा क्या? सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी कर दी कि पत्रकार के मोबाइल फोन से संजीव भट्ट ईमेल करता था और पार्टी के प्रेसिडेंट के कहने पे करता था। पुलिस ऑफिसर, पत्रकार, पार्टी प्रेसिडेंट, नेक्सस था कि नहीं था? तो फिर क्वेश्चन कोई तो करेगा ना, अब तक नहीं होता था अब होने लगा, और ये अच्छी बात है, मैं तो कहता हूँ इसमें कुछ बुरा नहीं है, कम से कम पता तो होना चाहिए सबको। और मैं कह रहा हूँ कि ठीक है आप किसी पार्टी का सपोर्ट करो, पता के करो ना, बोल के करो कि यार भाई अब इनके पक्ष में प्रोग्राम करो, और ज्यादा बात है तो पार्टी से पैसे लो, बता के लो कि यार एक घंटे का स्लॉट हमने इनको दे दिया है, दूरदर्शन देता है ना चुनाव के टाइम पे, पैसा भी कमाता है और बता देता है, स्पॉन्सर्ड स्लॉट है आधे घंटे का, उसमें पार्टी अपने विज्ञापन चलाए, पार्टी अपने नेता को बिठा के राष्ट्र के नाम संदेश कराए, पार्टी अपनी चर्चा करा, जो करा दो कर दो, आपकी बोल दो, चुपके क्यों करते हो? और उसमें जब चुपके कर रहे हो दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, तो फिर उसको ऐसे नहीं समझना चाहिए कि भाई पत्रकार एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं, पत्रकार अपना काम कर रहे हैं। दैट्स इट। उसको बचा नहीं है, उसको क्रिएट कर रहे हैं, उसको क्रिएट कर रहे हैं। अगर कोई नया रेस्टोरेंट खुलता है मार्केट में, लोगों ने उसका खाना कभी खाया नहीं, तो वो इसी आधार पे आगे जाना शुरू करते हैं ना कि एक बार खाएंगे तो पता लगेगा कितना टेस्ट है, टेस्टी लगता है तो फिर दोबारा जाते हैं, टेस्टी लगता है तो फिर अपने अगल बगल वालों को बोलते हैं कि वहाँ जाते हैं।
बिना आप धंधा खुला बड़ा अच्छा खाना बनाते हैं, कई लोग वहाँ जाना शुरू करते हैं। तो सिमिलर इज द केस विद अस, भाई हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं, अगर हम उसको अच्छे तरीके से दिखाएंगे, अगर हम उसको अच्छे तरीके से प्रस्तुत करेंगे, अगर हम उसके प्रति एक अच्छी भावना जगह पाने में कामयाब होंगे तो लोग देखेंगे, और जब देखेंगे तो अगली बार डिमांड करेंगे। करते बात करते हैं, हम एक आधे घंटे का प्रोग्राम चलाते हैं पॉजिटिव न्यूज शुभ समाचार। बहुत से लोगों को लगता है यार ये क्या गांव देहात गली कुछ खबरें दिखाने लगते, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ सबसे ज्यादा रिएक्शन हमारे पास उसी के लिए आते हैं। बाकी तो गाड़ियां ही आती है लेकिन उस पर रिएक्शन आता है, उस पर लोग रिएक्ट करते हैं, अपनी भावना व्यक्त करते हैं, अपने आसपास का बताते हैं। कोई दूर असम से लिखता है कि हाँ हमारे यहाँ ऐसा हो रहा है, क्या आप अपना आदमी यहाँ भेजेंगे, हम भेजते हैं। कोई केरला से लिखता है हमारे यहाँ एक अच्छी चीज़ हो रही है, हम चाहते हैं कि वो टीवी पे आए, क्या मैं मोबाइल से शूट करके भेज दूँ, आप चलाएंगे, हम कहते हैं ठीक है हम चलाएंगे, लेकिन पहले वेरीफाई करेंगे उसको, हम वेरीफाई करते हैं फिर चलाने की स्थिति में लाके उसको सेफ बना के फिर चलाते हैं। और हम तो मैं आपको सच बता रहा हूँ, हो सकता आने वाले 5-10 साल में कोई ऐसे चैनल्स भी आ जाए जो केवल गुड न्यूज ही दिखाएं, ये तो एक्सप्लोर करने की बात है केवल। और जो मार्केट के पोटेंशियल को समझते हुए एक्सप्लोर कर लेता है वो एंटरप्रेन्योर हो जाता है, बाकी हमारी आपकी तरह नौकरी करते हैं उसके साथ। गलत कंडीशन आपका है, अल्टीमेट ताकत आपके पास है, और वो ताकत पता क्या है, रिमोट। एक सेकंड के 1000वें हिस्से में जो रस्सी का सांप बना रहा है या सांप की रस्सी बना रहा है आप उसका बटन दबा सकते और उसको अगले वीरवार को जरूर दिख जाएगा जब टीआरपी आएगी उसकी, तो अपने आप समझ में आ जाएगा उसके। हम अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं करते, हम बैठे रहते हैं सामने गाली भी देते रहते हैं और देखते रहते हैं उसे, और जब आपने तय कर लिया कि बकवास दिखा रहा है तो बताओ ना। असली ताकत तो आपके हाथ में है, वो रिमोट कंट्रोल है, और जब रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में ना तो फिर मीडिया के ऊपर कोई आरोप नहीं, सब आपके ऊपर, क्योंकि आपके पास दोनों ऑप्शन है, बंद कर लो बाहर खाइए हवा का तो क्या दो मंदिर नहीं तो चाहिए खोल लो। और दूसरा जो मैंने एक चीज़ कही ना पहले, भाई साधु कृष्ण का विचार है और केले वाले भी बताए मैंने आपको, दो केले वाले एक करा है 12 रुपये दर्जन, एक करा 12 रुपये, तो बेचने बेचने का फर्क है, लोग अपना सामान बेच रहे हैं, ठीक है तो अपना सामान ही बेच रहा। बिजनेस
हाउस बिजनेस एम्पायर तो केवल देश में नहीं दुनिया भर में जाना है, आपको लगता है उसके साथ स्टैंड लेगा? नहीं लेगा, माफ़ी मांग लेगा, उसमें से बाहर निकलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो खबर मैंने ही शुरू की टी वी पर 9 तारीख को प्रोग्राम था, मेरे पास भी इन्वाइट आया, जेनल के कुछ दोस्तों ने भेजा तो भाई आप जब उनको घर से बनाएंगे तो आप आइए, वहाँ होता पोस्ट ऑफिस ये हम कार्यक्रम करने वाले। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा पागल वागल होगा क्या, जिस आदमी को फांसी हो, जिस आदमी को देश की हर अदालत से लड़ाई लड़ने के बाद सजा मिली, 2 मिनट बाद अपने आप राष्ट्रपति के पास चालू भी फैसला गया, फिर उस पर दया याचिका भी, पुनर्विचार याचिका भी, सारी चीज़ें हो जाने के बाद जब उसको सजा दी जाए वो भी हिंदुस्तान में, जहाँ आमतौर पर फांसी लास्ट से भी लास्ट रिजॉर्ट माना जाता, वरना बड़े बड़े जघन्य अपराधों में हमारे यहाँ उम्र क्या हो जाती है और ख़त्म कर दिया जाता है कि फांसी नहीं देंगे छोड़ छोड़। अगर वो फांसी दे रहा है देश में, उसमें आप यूज लाना चाहते हैं ताकत वाले, अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हमारी व्यक्ति क्या नहीं करते, तुमको आना कौन उतरे अपनी टीम भेज देना, भेजना अपनी कामयाब अपनी टीम भेजना तो मैंने भेज दी, मुझे थोड़ी ना मालूम था कि वहाँ इनके 2 गुटों में लड़ाई हो जाएगी आपस में, कि इनके पास परमिशन नहीं है कराने की, एडमिनिस्ट्रेशन मना कर चुका है फिर बीए करेंगे, इन्होंने बाहर से कुछ ऐसे लोग बुला रखे हैं जो मुंह बांध के देश के खिलाफ नारे लगाएंगे, देश को तोड़ने के नारे लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे, हमें थोड़ी ना पता था। और जब वो सब कैमरा पे आ गया तो फिर ये लोग पगला गए, एकदम से पगला गए कि क्या हुआ, ये तो फंस गए हम लोग, अब क्या करें, उन्हें अंदाजा ही नहीं था तो भाई इस पर इतना विवाद हो जाएगा देश को। और उन्हीं के एक सहयोगी जो साथी थे वो हमारे न्यूज रूम में काम करते थे, उन्होंने कह दिया कि इसमें पाकिस्तान जिंदाबाद करती है, भाई कन्हैया के लिए 10 तारीख को खुद माफी मांगी ऑन रिकॉर्ड कैमरा पे कहते हुए कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाले जेएनयू के नहीं थे, वो बाहर से आए हुए लड़के थे। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हो कि पाकिस्तान जिंदाबाद है, ये बात की चिंता उन्होंने आदमी पता है दे दिया, नई बात चल रही उतर ली उन्होंने, अभी आदमी को ये भी देखता ना कि अगर ऐसा करके मुझे 10-15 हज़ार का जंप मिल रहा है दूसरी जगह तो मैं वो ले लूँ, उन्होंने वो प्लान कर लिया होगा आपको ठीक। और आप ये देखिए कि एक न्यूज चैनल से अगर कोई कर्मचारी इस्तीफा दे दे रहा है, क्या वो राष्ट्रीय बहस का विषय है, क्या वो संसद के अंदर उठाए जाने का विषय है? लेकिन वो उठा, अभी समझ लीजिए ना कि वो कहाँ से आ रहा, कौन लोग उसको प्लान कर रहे थे, उन्होंने प्लान किया। लेकिन एंड ऑफ द डे जब वो CFSL में गया, वहां लैब से टेस्ट हो क्या है, और आपको एक चीज और बता दूं, इसके पहले दिल्ली सरकार ने अपनी ट्रूथ लैब से जांच कराई थी, ट्रूथ लैब के मालिक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, लेकिन उस रिपोर्ट में भी साफ साफ लिखा था कि ये वीडियो डॉक्टर ने है, ये वीडियो बिल्कुल सही, 70 पन्ने की रिपोर्ट थी, उसमें 68वें पन्ने पर बात लिखी थी, उन्होंने 68 पन्ने दबाए, पहले पन्ने के ऊपर ये लिख दिया कि इस वीडियो की सत्यता जो है वो शक के घेरे में, ये नहीं लिखा कि वीडियो गलत है, शक के घेरे में। आप देखिए शब्दों का खेल कैसे खेले, जिन जिन अखबारों ने ये लिखा कि भाई इन्होंने डॉक्टर वीडियो चलाया, हमने सबको नोटिस भेज दिया डिफॉर्मेशन का, सब भाग खड़े हुए, लेकिन जिस दिन CFSL ने रिपोर्ट दी तो जो लोग पहले लिख रहे थे कि जी न्यूज़ का वीडियो डॉक्टर्ड है, उन्होंने ये नहीं लिखा कि जी न्यूज़ का वीडियो सही पाया गया, उन्होंने लिखा कि वीडियो सही पाया गया। फिर देखिए शब्दों का खेल कैसे, अपनी हार बर्दाश्त नहीं करना चाहते, इसको भी ईगो का इशू बना, जबकि आप ये नहीं समझ रहे कि आप जिस काम को कर रहे हो, अखबार को चला रहे हो, टीवी को चला रहे हो, उसमें आप कितने बड़े तबके तक जा रहे हो, उससे समाज को कितना नुकसान पहुंचा सकते हो आप चीजों को छुपा के या गलत चीजों को हाईलाइट करके, और वो कर रहे हैं, उसी के खिलाफ तो वहां लड़ाई, उसी पे तो हम पूछते हैं भाई, कहीं हत्या हो, कहीं चोरी हो, कहीं लूट हो गई, कहीं डकैती हो गई, कहीं बलात्कार हो गया, वहां जाके दलित वास्ते हत्या हत्या नहीं है क्या? मायावती का अपमान एक औरत के नाते कम था क्या? अगर वो ब्राह्मण होती तो वेश्या का आना कम अपमान होता क्या? तो फिर दलित दलित क्या चिल्ला रहे उसको, महिला के सम्मान की लड़ाई लड़ो ना, क्यों उसको रंग देते हो ऐसे झूठ को? लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के अपने वोट बैंक उससे सत्य तो उसको लेते हैं। 11 तारीख का जो इशू आप यूट्यूब पे जाके देखिएगा, 12 तारीख को हम लोगों ने खबर चलाया, पूरा वीडियो चला रहे गंडे मार रहे हैं, अखबार ने क्यों 9 दिन बाद छापा मुझे नहीं पता, उनको कहीं से गाइडलाइन आती होगी, वो 9 दिन बाद आई होगी, जिस पार्टी से वो गवर्न होते होंगे या गाइड होते होंगे उस पार्टी को 8 दिन बाद समझ में आया होगा कि हमारे लिए बड़ा इशू हो सकता है। लेकिन उसने भी
किसी ने ये नहीं बताया कि जिन दो पक्षों में वो पूरा विवाद हुआ वो दोनों ही के लिखते थे, वो एक बिजनेस राइवलरी थी, दोनों बैंक की माल उतारने का काम करते थे और दोनों में आपस में झगड़ा हुआ। अब इसमें दलित एट्रोसिटी का नाम क्यों दिया, ये क्यों कहा गया कि सवर्ण लोग जो है वो दलितों को, तो आप समाज को जोड़ रहे हो कि समाज को तोड़ रहे हो भाई? अगर इस मामले में दो गुटों का झगड़ा हुआ, एक गुट ने दूसरे गुट के साथ इस तरीके की हरकत की, ऐसे मारपीट की, ऐसे वीडियो बनाया, इतने बुरी तरह से की, वो कानूनी तौर पे अदालत में स्टैंड नहीं करेगा क्या जब तक उसमें दलित नहीं लिखा जाएगा? वो अखबार में पढ़ने लायक नहीं होगा क्या जब तक उसमें दलित नहीं लिखा जाएगा? वो टीवी पर देखने सुनने के लायक नहीं होगा क्या अगर उसमें दलित नहीं लिखा जाएगा? होगा, लेकिन मसाला कैसे डाला जाता है? अजीब डाल भाई, जो पार्टियां माँ बेटी के सम्मान में उतरे मैदान में मायावती के चक्कर में चार फुट कर, अभी बुलंदशहर में चलती गाड़ी में माँ बेटी का रेप हो गया, एक पार्टी नहीं गई सड़क पे, क्यों? पहले धर्म बताएंगे उनका, पहले जाति बताएंगे उनका, तब आप लोग तय करोगे नीचे जाना हमको सड़क पे, तब आप लोग तय करोगे कि हमको सरकार पे दबाव बनाना चाहिए कि भाई 36 घंटे हो गए, 48 घंटे हो गए, वो लोग कहाँ हैं जिन्होंने रेप किया था? आप तो कह रहे थे 24 घंटे पकड़ लेंगे, यानी कि आपका अपमान तो भाई देश का अपमान है, लेकिन देश की माँ बेटी का अपमान उसकी कोई परवाह नहीं, क्यों? या तो उसको वोट बैंक से जोड़ो, नहीं तो बाहर जाने दो भाई। अगर आप मैं, हमारा कोई कास्ट एंगल नहीं, कोई धर्म एंगल नहीं, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है क्या? खत्म है हम लोग क्या? हमारी गिनती नहीं होगी समाज में? हम वोट नहीं देंगे क्या? तो हम ये कह रहे हैं कि भैया इससे बाहर निकलो, 70 साल हो गया आजादी को, लोगों को इस पे सोचना बंद करो, आपको अगर उत्थान करना है तो ईमानदारी से उत्थान करो ना, उसको वोट बैंक की तरह हाँकते रहते हो और देते हो उसे कुछ भी नहीं, बेवकूफ बनाते हो हर बार किस बात की वजह से? और जिन्होंने नहीं चापा या लेट किया उसका जवाब मुझे लगता है तो जो बात आप कह रहे हो ना, यही मेरे मन में भी आती है, यही मेरे मन में भी आती है जो बात आप कह रहे हो। मैंने कल एक ट्वीट किया था, मैंने लिखा था कल तक जो लोग सेकुलरिज्म का झंडा लेके चलते थे आज अचानक दलित चिंतक हो गए, केले के सीजन में केला बेचते हैं, सेब के सीजन में सेब, चिंतन शॉप चलती रहनी चाहिए। भाई दलित चिंतन भी अपने आप में एक बिजनेस हो गया। अच्छा तो दलित चिंतक आप टीवी में देखते हो तो उनके घर जाके देखो, ऐसे लगेंगे दलित आपको? देखो पीछे जो चांदी का गौतम बुद्ध लगे हैं भाई, जब आप मेरे से ये कहते हो कि अपनी गैस सब्सिडी छोड़ दो एक गरीब का चूल्हा जलेगा, तो ये भी कहो ना रामविलास पासवान से कि अपना आरक्षण छोड़ दो एक गरीब का बच्चा पढ़ जाएगा। जो आदमी एस्टैब्लिश हो गया, जिस आदमी ने समाज में एक जगह हासिल कर ली पढ़ लिख के, आरक्षण के दम पे नौकरी भी पा ली और स्टेटस भी पा ली, अब वो 10 लाख रुपए ऊपर कमा रहा है साल, वो अपने बच्चे की फीस दे सकता है, वो अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ा सकता है, वो अपने बच्चे को यूनिफॉर्म दिला सकता है, वो अपने बच्चे को किताबें दिला सकता है, उसके करियर के लिए सोच सकता है, फिर उसको आरक्षण क्यों दिलवा रहे भैया? उसको जो है प्रमोशन भी आरक्षण चाहिए और वो कहते हैं मेरे बच्चों को भी एडमिनिस्ट्रेशन में एडमिशन में आरक्षण। रामविलास पासवान आरक्षित सीट से जीतते हैं, चिराग पासवान भी आरक्षित सीट से जीतते हैं, क्यों भाई? जब रामविलास पासवान सेटल हो गए, 6 बार मंत्री बन चुके, सांसद बन चुके हर बार, तो उनका बेटा जनरल सीट से लड़ाओ ना फिर, अब कहा उनके पास कमी रहेगी किसी चीज की संसाधन, यही हम कह रहे हैं। और जो चिंतन के नाम पे हो रहा है केवल दुकानदारी हो रही है, जो कोई आदमी नॉन दलित होकर दलित चिंतन में आ भी जाएगा ना, मेरे से लिख के लो ये उसको सेटल ही नहीं होने देंगे, भगा देंगे उसको, उसको ये तो सामंतवादी है, सवर्ण है, इसको भगाओ यहां से, ये क्या दलित चिंतन करेंगे? और ये होता है,
इसी चीज से तो लड़ना है आपको। आपने दो उदाहरण दिए, दोनों उदाहरणों में एक बड़ी शानदार बात है। पहला इंटरव्यू उसमें सवाल तय नहीं थे, लेकिन हो सकता है कि उन दोनों एक विचारधारा को बिलोंग करते हैं तो अंदाजा हो जाता है कि ये क्या पूछेगा या किस हद तक पूछेगा। और अगर आपका इन्फ्लुएंस है उस पर तो आप कह भी देते हो, जैसे वो कह रहे थे ये वाला काट देना और इसको ज़्यादा चला देना। ये इंटरव्यू उसकी चॉइस कि वो उनका समर्थन करता है या नहीं करता। इसका ठीक उलट है सुमित अवस्थी वाला उदाहरण जो आप जोशी जी ने सुमित अवस्थी से कहा कि ये मत पूछो। अवस्थी जी ने कहा कि मैं तो पूछूंगा, तो पूछने ही आया उसने लगे बात, सब कह रहे हैं कि जोशी हरवाएगा, जोशी नाराज होगा, कैमरा बंद करो, बंद करो कैमरा, अभी कभी बंद करो, ठीक है। जोशी जी के सामने का कैमरा लगा था बंद हो गया, टीवी है जोशी के पीछे तो कैमरा लगा था, रिकॉर्ड करता रहा सब कुछ, सब रिकॉर्ड किया। जोशी जी समझाते रहे उनको नहीं ये मत चलाइए, ऐसा मत कीजिए। अवस्थी जी समझाते रहे कि भाई ऐसा है इसमें क्या हो गया, मैं तो सवाल पूछने आया हूँ, मैं सवाल आपसे पूछ के थोड़ी पूछूंगा, और अगर मुझे आप ही से पूछ के सवाल पूछते तो फिर हो गया ठीक है, इसके आगे मुझे आपका इंटरव्यू नहीं करना। ये भी एक इंटरव्यू था और आप ये देखिए हमने दोनों चला, हमने पूरा दिखाया जोशी जी वाला प्रकरण कि भाई साहब ये बार बार कह रहे थे कि ये इंटरव्यू में ये सवाल मत पूछो, लेकिन हमारा आदमी खड़ा रहा, मैं तो ये सवाल पूछूंगा नहीं तो इसके आगे नहीं पूछूंगा। और इसके आगे जब इंटरव्यू हुआ है तो यहाँ से शुरू होता है कि देख लीजिए उसी सवाल से शुरू और वापस वही सवाल से फिर हम लोग इंटरव्यू। तो भाई हम तो अड़े हुए रहे, हम आज भी अड़े हुए, हम आज भी ये कहते हैं कि अगर कहीं कुछ ऐसी चीज़ है आपको लगता है कि मैं आपसे पहले से तय करके सवाल पूछूँ तो फिर नमस्ते आपको आधे घंटे का नोट कर लीजिए, ऐसे चीज़ें 30 मिनट के जो मर्जी बोलिए चाहिए क्या करते हैं, लेकिन आप इंटरव्यू भी देना चाहते हैं फिर उससे मजे भी लेना चाहते हैं ऐसे तो नहीं।